हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस कैसे हो आप लोग, आई होप सब बढ़िया होगे भाई। तो गाइस मैं आया हुआ हूँ मनाली घूमने, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरे को लोग आप लोग देख ही रहे होंगे। तो गाइस लास्ट ईयर में स्पीति गया था, स्पीति ट्रिप पे मैंने स्कॉर्पियो एन जो रिलीज हुई है मार्केट में आई है उसको मैंने रिवील किया था मार्केट में आने से पहले। और आज मैं आप लोगों को 5 डोर थार रिवील करके बता रहा हूँ कि 5 डोर थार जो आएगी मार्केट में वो कैसी होगी। तो जो ये नॉर्मल थार है अभी 3 डोर वाली, इससे 15% उसकी लेंथ ज़्यादा होगी। ये 3985 mm है इसकी लेंथ, तो इससे 15% ज़्यादा होगी। और व्हील बेस है जो 22% ज़्यादा होगा। और जो उसका बूट स्पेस है वो भी इस वाली थार में तो बूट स्पेस बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट है ही नहीं। इसमें आप सामान वगैरह रख ही नहीं सकते, लगेज वगैरह, लेकिन उसका बूट स्पेस भी काफ़ी होगा और जो केबिन है वो भी काफ़ी स्पेसियस होगा। तो भाई प्राइस वगैरह तो एक्सपेक्टेड है कि इससे 70-80 हज़ार रुपये ही ज़्यादा होगा, लेकिन जब मार्केट में आएगी महिंद्रा क्या उसके प्राइस रखता है तो वो है। बाकी मैं अभी आप लोगों को थार दिखाता हूँ, 5 डोर मस्त लग रही है भाई, बिल्कुल जो जीप रूबिकॉन है उससे भी बढ़िया लगी मेरे को तो जब मार्केट में आएगी ना। हालांकि थार ऑफ रोडर है, बेस्ट ऑफ रोडर है, उससे बढ़िया ऑफ रोडर मुझे कोई नहीं लगती, लेकिन वो 3 डोर में थी और उसमें बूट स्पेस भी नहीं था, तो इस वजह से ही मेरा मन था लेने का लेकिन मैंने नहीं ली। लेकिन अगर ये 5 डोर आएगी तो भाई इसको लेंगे पक्का, मस्त है, क्योंकि बूट स्पेस भी होगा, स्पेसियस केबिन भी होगा और फीचर्स और इंजन ऑलमोस्ट सेम है इसके। तो ऐसा कुछ है भाई, मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ 5 डोर थार। तो गाइज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ 5 डोर थार। 5 डोर थार लेंगे भाई, ये खड़ी है भाई, इसकी टेस्टिंग चल रही है। 5 डोर थार 5 डोर वाली, बिल्कुल जीप रूबिकॉन वाली ही जैसी लग रही है। तो गाइस ये सामने आप लोगों को दिख रही है 5 डोर थार। तो इसकी फ्रंट प्रोफाइल तो बिल्कुल ओल्ड थार जैसी है, जो 3 डोर वाली थार आती है आगे से बिल्कुल सेम है। और ये साइड इसकी प्रोफाइल है, मैं आप लोगों को दोबारा दिखाता हूँ इसकी साइड प्रोफाइल एक बार। तो गाइस ये देखो, ये इसकी साइड प्रोफाइल है प्रॉपर। और ये इसका बैक से भी मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये इसका बैक व्यू है। तो ऑलमोस्ट जो पुरानी थार है 3 डोर वाली बिल्कुल सेम है टिप्टो, बस थोड़ी सी इसकी लेंथ ज़्यादा है। तो गाइज अभी मैंने आप लोगों को एक व्यू दिया थार का 5 डोर जो आने वाली है। तो मैं आप लोगों को बताया भाई कि ऑलमोस्ट ही सेम है पूरा साइज, एक लेंथ के अलावा बाकी सब कुछ सेम है इसमें। तो ये है कि अभी 3 डोर है, अभी ये 5 डोर में आ जाएगी, लेकिन 5 डोर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी लोगों को इससे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि महिंद्रा इन चीज़ों का ख्याल रख रहा है, जो इंडियन ब्रांड्स है लोगों की ज़रूरतों को समझकर अपनी गाड़ियों में चेंजेस कर रहे हैं, ये सबसे बढ़िया बात है। तो भाई जैसे ही ये मार्केट में आएगी भाई, मेरा तो माता रानी ने चाहा तो पूरा प्लान है कि यही लूँगा, क्योंकि मैं थार का मैं बहुत दीवाना हूँ मैं थार का, क्योंकि ये हैरियर है मेरे पास, ये 4x4 नहीं है और सफारी में भी 4x4 नहीं आती। तो मैं चाह रहा था कि मैं 4x4 एक गाड़ी लूं, लेकिन सिर्फ वो छोटी थी, उसके साइज़ थोड़ा छोटा था, लगेज का सामान भी नहीं था और 2 डोर थे उसमें। तो क्योंकि जो पीछे बैठे होते हैं फिर वो तभी निकलेंगे जब वो अगले वाला बाहर निकलेगा, तो वो थोड़ी मेरे को प्रॉब्लम लग रही थी उसमें, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाएगी। अब इसका प्राइस क्या आता है वो तो जब ये मार्केट में आएगी तभी पता चलेगा, लेकिन जो भी होगा कोशिश रहेगी इसको पहले ही बुक करवा के और लेने की। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा गाइस ये ज़रूर बताओ अपने भाई को, लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैंने स्कॉर्पियो को भी रिवील किया था, अब महिंद्रा का भी मैंने, महिंद्रा 5 डोर थार को भी मैंने हल्की आपको एक दे दी लुक। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो इसी बात पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।